more than 30 million pending cases before the courts. Ailing people denied healthcare in overcrowded hospitals are unlikely to queue up to get justice. And a man in Orissa walked 6 kilometers with his 7-year-old daughter's body as the ambulance transporting them to the hospital left them midway after learning that the girl had died. August 27th, a man was forced off a bus with his 5-day-old baby and mother-in-law after his ailing wife died in the vehicle in MP's Damo district. The plight of these families underscores human apathy and a basic failure, the breakdown of public healthcare in India. In India, there is one government allopathic doctor for every 10,189 people, one government hospital bed for every 2,046 people, and one state-run hospital for every 90,343 people. You don't need an epidemic, however predictable, for the public health system to collapse. It is a matter of routine that patients share beds and doctors are overworked. Everyone talks about the right to health, but with more than 30 million pending cases before the courts, ailing people denied healthcare in overcrowded hospitals are unlikely to queue up to get justice. There is only one individual responsible for EWS patient loss in our country. The founder of the Social Jurist Society, the society responsible to file the case which brought these laws. The individual who devoted his entire legal life to help the EWS patients, not only with the Department of Health, as well as with education. He is none other than Mr. Ashok K. Agarwal, the individual we feel blessed to interview. सर थैंक यू, आपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला इंटरव्यू देने के लिए. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया ले डाउन करा है कि 14,000 से अबव जिनकी सैलरी है वो ही ईडब्ल्यूएस पेशेंट्स क्लासिफाई करते हैं, तो सर इसमें आपके क्या व्यूज है? ये देखिए, कोई तो कट ऑफ आपको डालना होगा ना, तो और इसको हमने सरकार ने क्या किया है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अपर लिमिट, वो जो एक वर्कर को मिनिमम वेज मिलता है दिल्ली के अंदर अनस्किल्ड वर्कर को, उसके साथ लिंक कर दिया है. तो मुझे याद है कि जब 13-14 साल पहले जब स्टार्ट हुआ था तो शायद 500 या 700 रुपया था, है मतलब 5,000 रुपया महीने से शुरू हुआ था जो हाईकोर्ट ने कहा था. मिनिमम वेज 500-700 बदस्त था, लेकिन अब मिनिमम वेज जो है ना समय समय पर बढ़ता रहा, तो आज की तारीख में 14,000 है. तो इसके हिसाब से इसका लिंकेज मुझे लगता है जस्टिफाइड है. 14,000 में मुझे लगता है आधी से ज्यादा पॉपुलेशन दिल्ली की आ जाएगी 14,000 रुपए महीने में. सर कोई प्रोविजन है कि जैसे किसी की सैलरी 15,000 है, दे आर नॉट एबल टू, बिकॉज़ हॉस्पिटल्स आर सो कमर्शियल, यू नो दे आर नॉट एबल टू पे द हॉस्पिटल बिल्स, तो उनके लिए कुछ प्रोविजन है? नहीं देखिए, हमारे देश में जो जो हेल्थ है, हेल्थ जो है ना वो कोई नॉन कमर्शियल आइटम नहीं है, मतलब और जैसे एजुकेशन जो है, एजुकेशन में कोई भी व्यक्ति जो है चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी कमर्शियलाइज नहीं कर सकता. बट हॉस्पिटल फ्री है, कोई उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसलिए आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं ला सकते. लेकिन उसका इलाज क्या है कि हम अपने पब्लिक हॉस्पिटल्स को बढ़िया करें. आज 90% से भी ज़्यादा जो है हेल्थ जो है वो उसके प्राइवेट के लोगों के हाथ में है, और दिन पे दिन हमारा जो पब्लिक सिस्टम है हेल्थ का वो डिट्रीएट हो रहा है. तो लोग मजबूरी में वहाँ भागते हैं. जब आप किसी निजी आदमी के पास जाओगे मजबूरी में तो नेचुरली वो लूटेगा. तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए. अभी शायद कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है कि राइट टू हेल्थ,
लोगों को मिलेगा, तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि सरकारी सिस्टम जो है इम्प्रूव कर सकता है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्राइवेट हॉस्पिटल की ईडब्ल्यूएस पेशेंट्स के लिए क्या रिस्पांसिबिलिटी है? देखिए उनकी एक लिमिटेड रिस्पांसिबिलिटी है, वो लिमिटेड रिस्पांसिबिलिटी है जो उनके लैंड क्लॉज से अराइज होता है। तो अभी तक हमने 57 हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया जिसमें अपोलो हॉस्पिटल इंक्लूड नहीं है। तो उसके अंदर जो कंडीशंस है वो ये है कि 10% आईपीडी आप देंगे और 25% ओपीडी देंगे। ये सारे वो हॉस्पिटल हैं जिनको बहुत ही हाईली कंसेशनल रेट्स के ऊपर जो है जमीनें दी गई थी विद दी कंडीशन कि आप इस तरीके का प्रोविजन आप रखेंगे। तो वो इतना लिमिट, लेकिन डिलेमा ये है कि इन हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये इसमें जो हमारा ईडब्ल्यूएस पेशेंट है ही कैन जस्ट वॉक इन फ्री एंड वॉक आउट फ्री, ही हैज नथिंग टू पी। बट आई डोंट थिंक कि हिंदुस्तान में कोई भी सरकारी अस्पताल है जहां किसी पेशेंट को जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे ट्रीटमेंट मिलते हैं। तो ये एक डिलेमा है कि एक सरकारी अस्पताल जो है वो आपका खर्चा कराता है और एक ये प्राइवेट हॉस्पिटल है वो जो है वो आपको टोटली फ्री ट्रीटमेंट देता है। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो एक लिमिटेशन ही है ना। तो अभी जैसे हमारे पास 57 हॉस्पिटल है तो लगभग 800 बेड्स हैं इसके अंदर, तो 800 ही पेशेंट्स एट ए टाइम मदद देखेंगे ना, तो प्रॉब्लम तो बहुत एग्रीगेटेड है। तो उसके अंदर क्या है कि अल्टीमेटली यू आर बेंट अपॉन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम अगर आप गरीब लोगों को मदद देना चाहते हैं रियल सेंस में, तो आपको पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है ना वो रॉबस्ट बनाना पड़ेगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि जितने बेड्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और सर जितनी प्रोपोर्शन जितनी पॉपुलेशन है जो उन बेड्स को ऑक्यूपाई करना चाहती है, सर वो मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं है ना, लाइक इज देयर अ नीड टू इंक्रीज द। नहीं, अभी आप देखो रिसेंट एक केस हुआ था जिसमें एक बच्चा जो था 3 साल का फरहान, वो LNJP हॉस्पिटल में गया, उसको इमीडिएटली ICU बेड चाहिए था, ICU बेड नहीं दिया गया है, 6-7 दिन तक उसको मैनुअल उस पर रखा है वेंटिलेटर पे, और उसके बाद जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर करे कि इसको वेंटिलेटर दो, उसके बाद भी तीन दिन के बाद जो है उसको वेंटिलेटर दिया, और उसके बाद 10 फरवरी को उसकी डेथ हो गई। और जब हाईकोर्ट के सामने आंकड़े आए दिल्ली सरकार के, तो उनके 10,000 से भी ज़्यादा बेड्स हैं 33 सरकारी अस्पताल में, और उनके यहाँ सिर्फ 400 वेंटिलेटर्स हैं, और 400 वेंटिलेटर में भी 52 वेंटिलेटर काफी समय से खराब पड़े हुए हैं। तो अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल से कंपेयर करते हैं तो यू विल सी जैसे मैक्स पटपड़गंज है, वहाँ 38.4% जो है आपके वेंटिलेटर बेड्स हैं, 38.4%। और हम एवरेज भी अगर देखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जब कम से कम 10% जो है ना वो वेंटिलेटर बेड्स हैं। तो जब अगर आप वेंटिलेटर बेड 3.4% रखेंगे और पेशेंट्स भरमार आपके पास आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग तो इसलिए मर जाएंगे क्योंकि आपने वेंटिलेटर जो है उसको बेड नहीं दिया है। तो अभी हाईकोर्ट ने भी ये गवर्नमेंट को कहा है कि कम से कम 10% तो गवर्नमेंट सिस्टम में होने चाहिए। तो ये एक्सपोज करता है कि हमारा गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो कितना मतलब निकम्मा तरीके का है कि जो एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को खासकर जो है ना वो हेल्थ नहीं दे पा रहा है। Another question is कि in case अगर private hospital deny करते हैं किसी EWS patient को free treatment, तो कोई action ले सकते हैं उनके against? हाँ, देखिए बहुत serious actions हो सकते हैं क्योंकि high court के judgment में ये लिखा हुआ है कि एक तो ये कि इनका management take over कर सकती है सरकार, ठीक है। दूसरा ये है कि जो है ये जो land है, क्योंकि land owning agency जैसे DDA है या LNDO है, वो लैंड भी ले सकती है, मतलब पूरा का पूरा ही सिस्टम जो है टेक ओवर कर सकती है, ले सकती है। तीसरा ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अगर कोई हॉस्पिटल टोटली फ्री ऑफ ट्रीटमेंट नहीं देता EWS को या कोई भी आनाकानी करता है, तो उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में हम या सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, और हमने की है। जब जब किसी हॉस्पिटल ने गड़बड़ करने की कोशिश करी है हमने की है, तो उसकी वजह से और बहुत सारी और वजहों से भी आज हम देख रहे हैं कि इन सभी हॉस्पिटल के अंदर काफी मतलब सब्सटेंशियल मुझे लगता है कि हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो है वो ट्रीटमेंट मिला। इसीलिए आप ये देख रहे हैं आज कितनी भीड़ यहाँ पर है कि लोगों को ये लग रहा है कि अगर मैं लिख दूंगा तो उनको वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगा। सो कैन यू
tell us a little bit about the help that you extend to the economically weaker patients. What we do, I am a member of the High Court appointed committee also, monitoring committee. So I can inspect the hospital, find out, and whatever complaint comes to me, I can look into that and recommend. And even I am entitled to file a contempt petition against erring hospitals. So, and I am listening to my patients and trying to understand them. And sometimes I have to file a case against the government hospital itself. Many cases I have filed against government hospital and got an order for immediate treatment. Recently, I got an order for this 12-year girl. He had this spinal problem, very bad problem, spinal problem, and the hospital gave her a date of 6 months later, and she was deteriorating. So I filed a petition in the High Court, and High Court directed AIIMS to provide her treatment within 1 month. And I think she must have been operated by this time. But sir, since cases take such a long, such a large amount of time to decide, so is it like, do they give immediate orders in such cases? In our cases, many times we got the orders on the same day we have filed the case, mentioned it before the court, court passed an order. Okay. And immediately the patient was taken care by the hospital. Wow. It is the difference. The deeply entrenched inefficiencies of the public health system in India leads us to point fingers at policymakers, hospital officials, the bureaucracy, or whomever we can find to blame. But the fundamental problem is apathy. It is a lack of social solidarity which leads us to apathy towards those not fortunate enough to afford quality healthcare. When newborn babies die due to non-availability of oxygen cylinders in civil hospitals is when we must awaken our collective conscience to ensure everyone has access to quality healthcare. कई बार हम बोलते हैं जब पुलिस वाले डंडा मारेंगे तो हम भी एक आधा खा लेंगे दैट वी कैन डू एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग वी आर फाइटिंग विद दीस पीपल वी आर नॉट डूइंग वी कांट गिव एनीथिंग वी हैव नथिंग